तो बेकार चीजों का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है वो आपने देखा। अब आपको मुंबई ले चलते हैं, जहां आईसीटी माटुंगा परिसर में कई अलग अलग तरह की पहल हुई और अभी एक बड़े उदाहरण के तौर पर सबको प्रेरित कर रही है। यहाँ भी कुछ बेकार चीजों को इकट्ठा करके उन्हें किस रूप में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो कई ऐसे उपकरण दिखे जो स्टूडेंट्स ने ही तैयार किए हैं। केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी माटुंगा परिसर ऐसी जगह जहां खुद बिजली पैदा करने के लिए बेकार चीजों और पानी को रिसाइकलिंग करना शुरू किया गया। आज देश डिजिटल होता जा रहा है और डिजिटल माध्यमों को काफी तवज्जो दी जा रही है, ऐसे में बिजली जो है डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। देश में बिजली का उत्पादन करने के लिए देश नई नई तरकीबें अपना रहा है। ऐसे में मुंबई स्थित माटुंगा के रासायनिक तंत्र ज्ञान संस्था में सोलर पैनल द्वारा बिजली का उत्पादन किया गया है और सोलर पैनल से काफी चीजें बनाई गई है, जैसे कि सोलर हीटर और सोलर एयर कंडीशनर। तो इनके विशेषज्ञों से ही जानते हैं कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया किस तरह से की है। 16 एकड़ के संस्थान परिसर में 11 शैक्षणिक विभाग हैं, 4 विशेष केंद्र और 5 हॉस्टल, जहां पर 800 छात्र रह सकते हैं। ये संस्थान कचरे को रिसाइकलिंग करने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का मिश्रण कर रहा है, जिनमें से कुछ आईसीटी द्वारा ही विकसित किए गए हैं। कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है, फेंकना नहीं चाहिए। तो जैसा कि समझो अभी सीवेज है, उस सीवेज से सब लोग सीवेज आने के गंदा ही समझते हैं, तो हम क्या समझते हैं, सीवेज से भी हम एनर्जी निकालेंगे तो आलगी बना सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा हमारे डीबीटी आईसीटी सेंटर में, वो जो पानी बाहर आएगा उसमें वो उसका प्रदूषण कम हुआ होता है। हमारे पास पानी शुद्ध करने की और एक कैविटेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी हम वापरेंगे। तो जितना पानी बाहर जाता है उतना हम वापरेंगे। दूसरा कि जैसा बाथरूम से पानी बाहर जाता है तो वो भी पानी हम वापर सकते हैं, फिर से हम फ्लश में वापर सकते हैं, गार्डन के लिए वापर सकते हैं। पिछले 5 सालों से संस्थान अपने कैंटीन से बेकार चीजों को जमा कर रहा है। बागानों के लिए इसे खाद में परिवर्तित करना ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस खाद को परिसर में 800 से अधिक पेड़ों के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। संस्थान अपने कार्बनिक कचरे को भी अलग करता है। धातु जैसे विभिन्न सामग्रियां, लकड़ी और प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। अलग अलग तरह से इनका इस्तेमाल होता है। 2009 में इस परियोजना को शुरू किया गया और उस पर लगातार सुधार किया जा रहा है। तो बिजली का यूज यहाँ पे, बिजली का उपयोग हवा में से जो उष्णता है उसको खींच के पानी में डालने के लिए होती है, तो वो बिजली की पूरी क्षमता का वापर करता है। इसकी वजह से नॉर्मली हम 1 किलोवाट या 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जितना हीट बना पाएंगे, जितना गर्म पानी बना पाएंगे, उससे 3 से 4 गुना तक इसमें पानी गर्म मिलता है, क्योंकि यहाँ बिजली का रूपांतरण नहीं हो रहा है। बिजली की मदद से हवा की उष्णता पानी में डाली जा रही है। हवा में भी उष्णता होती है, हवा 20 डिग्री पे भी हो तो उसमें उष्णता है। तो हवा में जितनी गर्मी रहेगी उसी गर्मी को अब्सॉर्ब करके अपने में लेकर उसको ज्यादा तापमान तक ले जाता है। जी जी जी। हवा में गर्मी है जो 20 30 40 डिग्री की है, पानी में हमें चाहिए गर्मी 70 डिग्री की। तो हवा की गर्मी को लेके उसका तापमान बढ़ा के वो पानी में डालता है। तो ये ताकत जो होती है वो कंप्रेसर के थ्रू हम यूज करते हैं। तो ये जो काम कर रहा है यूनिट, ये 12 किलोवाट का हीटिंग कर रहा है। 12 किलोवाट का हीटिंग करने के लिए हम नॉर्मल अगर रॉड हीटर लगाते हैं तो उसमें 12 किलोवाट की बिजली लगेगी। इस डिवाइस में ये चलाने के लिए 3 से 4 किलोवाट की ही इलेक्ट्रिसिटी लगती है। वो 3 से 4 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हवा की 12 किलोवाट हीट, हवा की हालांकि 9 किलोवाट हीट और ये 3 किलोवाट बिजली खुद दोनों मिला के पानी को गर्म करती है 12 किलोवाट के जितना। तो हमारा पहला जो हीटर था, इलेक्ट्रिकल हीटर इसी के बाजू में लगा हुआ है जो 12 किलोवाट का था, उसी का काम आज ये 3 से 4 किलोवाट तक का यूनिट कर रहा है। नॉर्मल हम बात करते हैं तो कितना कॉस्ट आता होगा लगभग एक मशीन के लिए और कितना कैसे होगा? यहाँ से जो बिजली की बचत होती है उसके कितने गुना ऐसे हम बात करेंगे। तो अगर हर दिन समझो हम इसको 4 घंटा चलाते हैं तो करीब
डेढ़ या दो साल के अंदर बिजली की बचत जो होगी उसके पूरी इन्वेस्टमेंट को वो पे कर देगी। मतलब दो साल के बाद में जितना वो चलाएंगे उतना पूरा आपका फायदा है, दो साल में जितनी बिजली उसकी बचेगी उतनी लगभग उसकी कॉस्ट है, समझिए। तो आपने सुना लगभग 180 बच्चे इससे लाभ ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दो यूनिट लगाई है जिसमें 360 बच्चे पूरी तरह से लाभ ले रहे हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली भी काफी कम लगती है जिससे फायदा होने के काफी आसार है। आमतौर पर उद्योग जहरीले गैस को अवशोषित करने के लिए स्क्रबर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन ये एकमात्र शैक्षिक संस्थान है जिसने हवा को शुद्ध करने के लिए इसे स्थापित किया, जहां सोलर पैनल का इस्तेमाल अलग अलग तरह के उपकरणों के जरिए किया जा रहा है। खबर जिनसे जुड़ी है, आज उनके नाम कई अवार्ड्स हैं। आज वो कई जगहों पर अलग अलग मंचों से सबको अपनी कामयाबी की कहानी सुनाती हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पहले 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, 15 साल की उम्र में शादी हो गई, फिर कैसे वो इतनी मशहूर हो गई कि बिहार से नाता रखने वाली इस महिला के बारे में हर कोई जानना चाहता है। देखिए आयशा खेमका की पूरी कहानी। That vision, the clarity of the vision, but vision can sit on the shelf